शिवडी न्हावा सागरी सेतु के लिए सिडको और एमएमआरडीए द्वारा उरण तालुका अंतर्गत चिरले, जासई और गवहन आदि गांवों की जमीनें अधिग्रहित की जाने वाली है। हालांकि उसके लिए एमएमआरडीए और सिडको द्वारा भूमापन की तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन दूध का जला जैसे छांस भी फूंक फूंक कर पीता है, वैसे ही इस बात की भनक लगते ही प्रस्तावित प्रकल्प से बाधित होने वाले किसानों ने आनन फानन में भूमापन की कार्यवाही को रोक दिया और इस बात की जानकारी प्रकल्प बाधितों के नेता दीबा पाटिल को दी। जानकारी मिलते ही दीबा पाटिल ने प्रकल्प बाधित किसान, सिडको और एमएमआरडीए के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई, मगर काफी बहस के बावजूद भी वो बैठक बेनतीजा संपन्न हुई। इस दौरान दीबा पाटिल के नेतृत्व में प्रस्तावित प्रकल्प को लेकर किसानों की मांगे पूरी करवाने के हेतु संघर्ष समिति की स्थापना की गई, जिसमें सर्वदलीय राजनेताओं के साथ साथ प्रकल्प बाधित किसानों का समावेश किया गया। इस संघर्ष समिति की बैठक इतवार को दीबा पाटिल के आवास पर संपन्न हुई। इस बैठक के लिए एमएमआरडीए के उप महानगर आयुक्त अनिल वानखेड़े भी उपस्थित थे। इस बैठक में भी प्रकल्प बाधितों की मांगों को लेकर काफी देर तक चर्चा की गई, मगर इस चर्चा का कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया। एक तरफ एमएमआरडीए प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा रहा, वहीं दूसरी तरफ प्रकल्प बाधित किसानों ने भी अपनी मांगों का पुनरुच्चार करते हुए एमएमआरडीए और सिडको को चेतावनी दी कि इससे पहले भी सिडको और एमएमआरडीए ने प्रकल्प बाधित किसानों की पीठ में खंजर भोंका है, लिहाजा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक सिडको और एमएमआरडीए को हर हाल में भूमापन करने नहीं देंगे। आमच्या मागण्या अशा आहेत, आमची तिथे काही काही प्रोजेक्ट आहेत, केशर आहेत, काही जमीन प्रोजेक्ट आहेत, त्याला कुठंतरी दुसऱ्याकडं ते जागा पर्याय जागा द्यावा आणि जी जागा ती शिल्लक राहिलेली त्यांनी तिथं परमिशन काय बांधायचं द्यावा, ते सगळी काही जागा घेत नाही। हां, त्याही सांगावं का 40 मीटरवर बांधा असं नाही जमणार, तिथल्या तिथं जागा संपूर्ण जागा एकतर घ्या नाहीतर आम्हाला तिथं काहीतरी प्रोजेक्ट करून द्या। आमच्या मागणी शेतू करायचं पुनर्वसन झालं, शेतकऱ्याला नोकरी मिळायला पाहिजे, शेतकऱ्याचं जमीन घेतली तर तिथं पेमेंट व्हायला पाहिजे, आणखी जे काय पुनर्वसन असतील ते व्हायला पाहिजे। दीबा पाटलांच्या अध्यक्षतेखाली झाली तुमची मीटिंग, झाली काय ठराव मंजूर झालाय आज बैठक? आज काहीच नाही, आमच्या मागण्या पुऱ्या करा, म्हणजे पहिल्या मागण्या पूर्ण करा नंतर। इस दौरान हमारे प्रतिनिधि ने जब विधायक विवेक पाटिल से इस बात के बारे में प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने भी सिडको और एमएमआरडीए को चेतावनी दी कि जब तक प्रकल्प बाधितों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक एमएमआरडीए या सिडको को प्रकल्प बाधितों की जमीन पर पैर रखने नहीं देंगे।